तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब कल की ऑफिशियल अपडेट आ गई है और ये मूवी सच में इसका नाम गदर बहुत सूट कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये रोज गदर मचा रही है भाई साहब। खासकर कल्याणी अपने तीसरे दिन में जो इस फिल्म ने गदर मचाया है भाई, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब इतना मालूम था कि हाँ मूवी हिट होगी और अच्छा खासा पैसा छाप कर ले चले जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी भाई, सोचा ना था। कल अपने तीसरे दिन में रिकॉर्ड तोड़ के बॉलीवुड की नंबर वन फिल्म बन चुकी है गदर 2। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। सब चर्चा करेंगे कल पूरा दिन, गदर ने कैसा गदर मचाया है, क्या केजीएफ बाहुबली के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, टोटल कितनी कमाई करी अपने तीसरे दिन में कल को, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहना दोस्तों। बहुत शॉकिंग अपडेट लेकर आए हूं आप लोगों के लिए। पहली बार साउथ इंडस्ट्री को बीट किया है बॉलीवुड ने, लेकिन पहला काम आपका यह है कि सब्सक्राइब वाला जो लाल बटन दिख रहा है ना, बिल्कुल फिर गया, बस दबा दो घस के। लेकिन दबाने का गलत मीनिंग मत ले जाना भाई लोगों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई थिएटर हाउस कल 15 अगस्त तक खचाखच भरे हुए हैं, फुल हाउस फुल शो चल रहे हैं भाई साहब। पूरा गदर फर्स्ट का टाइम जैसा माहौल था, पूरा वही चीज फिर रिपीट होते दिख रही है। जी दोस्तों, गदर 2 भर भर के बिजनेस कर रही है। पहले दिन 40 करोड़ की सॉलिड ओपनिंग ली थी, दूसरे दिन 43 करोड़ की कमाई करी थी। ये मैं सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े को ही बता रहा हूँ, ग्रॉस कलेक्शन को तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूँ। ग्रॉस में तो आंकड़ा और भी ज्यादा हाई है। जी दोस्तों, कल अपने तीसरे दिन में गदर 2 ने फुल संडे का एडवांटेज लेते हुए 51 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया था, वो भी सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। भाई साहब, बॉलीवुड इतिहास में आज तक कोई भी फिल्म ये या पूरे इंडियन सिनेमा में कोई भी फिल्म अपने तीसरे दिन में 50 करोड़ के ऊपर कलेक्शन नहीं कर पाई है, क्योंकि तीसरे दिन तक मूवी के आंकड़े स्लो हो जाते हैं। जी दोस्तों, केजीएफ, पठान, टाइगर जिंदा है और इवन बाहुबली 2 तक हिंदी सिनेमा से अपने तीसरे दिन में 50 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन गदर 2 एकमात्र मूवी है जिसने 50 करोड़ को टच ही नहीं करा बल्कि क्रॉस भी करा। जी हाँ दोस्तों, बिगेस्ट हिस्ट्री क्रिएट करी है मूवी ने कल तीसरे दिन में। इसी के साथ दोस्तों, दूसरा रिकॉर्ड ये अपने नाम किया है कि आज तक हिंदी सिनेमा से लगातार पहले 3 दिन तक 40 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किसी भी फिल्म ने नहीं किया है। इवन पठान ने भी नहीं करा था, तीसरे दिन के कलेक्शन अराउंड 38 से 39 करोड़ के आसपास ही था पठान का, लेकिन गदर 2 ने लगातार 3 दिन तक 40 करोड़ से का आंकड़ा सेट किया। बॉलीवुड हिस्ट्री का ये सेकंड रिकॉर्ड अपने नाम किया है दोस्तों। वाकई में ये जनता का प्यार है अपनी फिल्म गदर के लिए और सनी पाजी के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिंगल सोलो स्क्रीन विदाउट कंपटीशन चल रही है मूवी। भाई साहब, ओएमजी 2 लगातार टक्कर दे रही है, उधर रजनीकांत की जेलर फिल्म लगातार टक्कर दे रही है, वो रोज कुछ ना कुछ शो अपनी तरफ खींच रहे हैं। साथ में मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म भोला शंकर भी साथ में लगातार टक्कर दे रही है, लेकिन बावजूद इन सब फिल्मों के गदर 2 एक तरफा कलेक्शन कर रही है। और ओएमजी 2 ऐसा नहीं है कि फ्लॉप मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, वो अलग अपने कंटेंट के दम पर ऑडियंस खींच रही है। भाई साहब, डेफिनेटली कह रहा हूं, अगर गदर 2 सिंगल स्क्रीन रिलीज होती, सिंगल रिलीज होती विदाउट एनी कंपटीशन, तो आज ये आंकड़ा कुछ और देखने को मिलते। इवन मैं तो कह रहा हूं पठान तक के रिकॉर्ड तक तोड़ देती लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। जी दोस्तों, गदर 2 कल मॉर्निंग से ही 26 करोड़ का एडवांस बुकिंग कलेक्शन हासिल करके मॉर्निंग से ही 80-85% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ, आफ्टरनून और इवनिंग में भी सेम ऑक्यूपेंसी रेट के साथ फुल डे ट्रेंड पर रही है, और नाइट में तो पूरे शो हाउसफुल चल रहे थे। जी दोस्तों, मॉर्निंग से 10 करोड़ का कलेक्शन खाते में रखा था गदर 2 ने कल अपने तीसरे दिन में, वहीं आफ्टरनून से 15 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन अपने खाते में रखा था, इवनिंग से लगभग 12 करोड़ के आसपास रहा और नाइट से 16 करोड़ के आसपास कलेक्शन अपने खाते में रखा था। ऐसे में कल तक टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड ऑफ द डे तक 51 करोड़ 70 लाख के ऊपर सेट कर देती है मूवी एंड ऑफ द डे तक। और पहले 3 दिन का कलेक्शन सिर्फ नेट इंडिया से 134 करोड़ के ऊपर सेट कर देती है गदर 2। जी दोस्तों, आज डे 4 में मूवी को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है और अमेजिंग ग्रोथ कर रही है। जनता का क्रेज गदर 2 के लिए नेक्स्ट लेवल चल रहा है। दोस्तों, मैंने बहुत बोली, अब आपकी बारी। आप लोगों ने भी गदर 2 देख लिए तो आपको मूवी कैसी लगी? मुझे तो बहुत सॉलिड लगी। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।